वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम अपना केमिस्ट्री का सेक्शन कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी पूरी साइंस को कंप्लीट कर रहे हैं, और आज की क्लास में हम जो हम पहले ही पढ़ रहे थे, जिसमें हमने केमिस्ट्री शुरू की थी, जिसमें हमने स्टार्ट किया था एटम एंड मॉलिक्यूल, तो उसी का कंटिन्यू पार्ट पढ़ेंगे, परमाणु और अणु का। हमने पहले से ही पढ़ लिया था परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, यौगिक और एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है, एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, और कुछ फॉर्मूले मैंने बताए थे जिनके बेसिस पर आप क्या निकाल सकते हैं, उनका मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं, अणुओं का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ये सब भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, और आज की क्लास में हम उसी का आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम समझेंगे मोल क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत चांसेस हैं। रीट में जब आप केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वाले सेक्शन से वहाँ पर क्वेश्चन आए हैं एक से दो बार, तो ये वाला सेक्शन केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये जो मोल वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आइए समझते हैं मोल क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया है, या जैसे मतलब सॉरी जैसे हम करते हैं कि जो फल होते हैं, जैसे फल होता है केला होता है, तो केले में हमें पता होता है कि एक डज़न में 12 केले होते हैं, तो वो किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक फिक्स वैल्यू बता रहा है फल की, केले के फल की, कि हाँ एक डज़न में 12 केले होंगे। सेम ऐसे ही मोल भी जो है एक एसआई इकाई होती है, एक एसआई यूनिट होती है, जो ये बताती है कि किसी पदार्थ में कितना नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर है, उस पदार्थ की जो मात्रा है, चाहे उसमें जो एटम है, चाहे उसमें वो मॉलिक्यूल है, अणु है, परमाणु है, चाहे उसमें आयन है, वो कितने अमाउंट में है, उनकी एक फिक्स वैल्यू बताता है कौन, मोल। जैसे हम बोलते हैं एक डज़न में 12 केले होते हैं, सेम ऐसे ही जब हमें किसी पदार्थ के बारे में, उसके अमाउंट के बारे में बताना होता है, तो उसमें हम बोलते हैं कि एक मोल जो होता है उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, या कितने नंबर ऑफ आयन होंगे, तो वो होंगे आपके 6.022 × 10²³। और ये वैल्यू फिक्स होती है, जैसे केले में फिक्स वैल्यू है कि एक डजन में 12 केले होते हैं, सेम ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन इन वन मोल, एक मोल में कितने होंगे, तो वो आपके 6.022 × 10²³ होते हैं, और यही आपका मोल होता है, जो हमें बताता है कि किसी सब्सटेंस में, किसी मैटर में, किसी पदार्थ की जो मात्रा है, उसकी मात्रा कितनी है, उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं फिक्स, वो ये यहाँ पर बताता है आपका कौन, मोल। तो मोल आपकी एक इकाई होती है जो पदार्थ की मात्रा बताती है, अमाउंट ऑफ मैटर आपकी बताती है, और मोल किसी पदार्थ में परमाणु, किसी सब्सटेंस में कितने एटम हैं, कितने अणु मॉलिक्यूल हैं, उसमें कितने आयन हैं, उनकी एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है, जो होती है आपकी एक मोल। एक मोल बराबर होता है मतलब 6.022 × 10²। बस यही आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि एक मोल की वैल्यू कितनी होती है, तो एक मोल की वैल्यू 6.022 × 10²³ होती है, और ये हमें बताती है कि किसी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम हैं, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो है आपकी एक मोल। अब देखिए जो एक मोल की वैल्यू होती है ना, इसे ही हम एवोगैड्रो संख्या भी बोलते हैं, तो याद रखिए एवोगैड्रो संख्या की वैल्यू एग्जाम में अगर पूछी जाए तो वो भी कितनी होती है, 6.022 × 10²³ ही होती है। और यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से समझाने के लिए लिखा भी है, अगर आता है नंबर ऑफ एटम इन वन मोल, चार ऑप्शन दे देगा कि बताइए कितने एटम होंगे एक मोल में, एटम की जगह मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयन एक मोल में, एक मोल में उसकी कितनी वैल्यू होती है, 6.022 × 10²³ होती है। सेम वैसे ही जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं, तो सेम ऐसे ही एक मोल में नंबर ऑफ एटम, जो परमाणुओं की संख्या होगी, वो कितनी होगी, 6.022 × 10²³ होगी। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेगा एक मोल की, और आपसे कहेगा कि एक मोल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो कितनी है, 6.022 × 10²³, जिसे हम एवोगैड्रो संख्या भी बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा बताइए नंबर ऑफ एटम इन
थ्री मोल, तीन मोल में कितने होंगे? जब एक मोल में इतनी वैल्यू है तो सीधी सी बात है थ्री मोल में कितनी वैल्यू होगी, इसकी हम मल्टीप्लाई थ्री से कर देंगे, और थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आ जाएगा 1.81 × 10⁻²। ये आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से भी डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपको पता होनी चाहिए कि एक मोल की वैल्यू कितनी होती है। जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, सेम ऐसे ही एक मोल में कितने परमाणु होंगे, कितने अणु होंगे, तो वो होते हैं आपके 6.022 × 10⁻²। उसके बाद वो कितने भी मोल में आपसे पूछ ले तो वो संख्या आप वहाँ पर बता पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है आगे एवोगैड्रो नंबर, तो ये एवोगैड्रो नंबर जो है वो वही है जो आपका एक मोल की वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻²। ठीक है, यहाँ पर लिखा है किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु, एक मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या 6.022 × 10⁻²  होती है। इसको हम एक मोल भी बोल सकते हैं या एक ग्राम भी बोल सकते हैं, ये डिपेंड करेगा हम उसे भार में ले रहे हैं या संख्या में ले रहे हैं। जब हम उसे भार में लेंगे तो हम उसे, जब हम उसे वेट में, जब हम उसे मास में लेंगे, द्रव्यमान में लेंगे, तो हम एक ग्राम बोलेंगे। जब हम उसमें संख्या में ले रहे हैं उसको, तो हम उसे एक मोल बोलेंगे। तो मैं यहाँ एक ग्राम बोलूँ या एक मोल बोलूँ, तो उसमें जो परमाणुओं की संख्या है, उसमें जो एटम की संख्या है, वो कितनी होती है 6.022 × 10⁻²  होती है। या किसी पदार्थ, कोई भी आपका तत्व हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, या यौगिक या आपका कंपाउंड हो सकता है, उसके 1 ग्राम अणु, एक मोल में उपस्थित अणुओं की, मॉलिक्यूल की संख्या भी कितनी होती है, वो 6.022 × 10⁻³ होती है। ये मैंने बता दिया है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है नंबर ऑफ एटम हो, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है एक मोल में, तो उसकी वैल्यू भी इतनी ही होगी 6.022 × 10⁻³। और इसे हम एन नॉट, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो नंबर को, याद रखिए। और यहाँ पर इसकी ये वैल्यू भी लिखी हुई है, द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड विद अ वैल्यू ऑफ 6.022 × 10⁻³। तो ये चीज़ें मैंने आपको इतनी बार बोल दी है ना, कि अब आपको ये जो वैल्यू है ना, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये वैल्यू जो है आपको, एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है, ये आपके माइंड में जो है बिल्कुल अच्छी तरह से रट जाएगी। देखिए, इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से समझें। ये कह रहा है कि एक मोल पदार्थ का ग्राम में भार, सपोज़ मेरे पास कार्बन है, कार्बन एक सब्सटेंस, एक पदार्थ है, तो इसका एक मोल, एक मोल के पदार्थ, मैंने कार्बन का कितना पदार्थ लिया, एक मोल, जैसे एक मोल में 12 डजन है, सेम ऐसे ही मैंने एक मोल का पदार्थ लिया है जिसका ग्राम में भार जो होगा इसी पदार्थ के, इस कार्बन के पदार्थ का जो एक परमाणु है उसके एटॉमिक मास के भार संख्या के बराबर होगा। वो कितने के बराबर होगा, 12 U के बराबर होगा, क्योंकि कार्बन के एक परमाणु का एटॉमिक मास यूनिट, आपका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, वो 12 U होता है, और ये जो U होती है ये एटॉमिक मास यूनिट है, ये इसकी इकाई है। तो याद रखेंगे, एक मोल जो ग्राम में होगा वो उसी परमाणु के एक एटम का, जो एक परमाणु का जो एटॉमिक मास यूनिट होगा उसके बराबर होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो यहाँ पर मैंने समझा दिया, अगर मैं ऑक्सीजन के एक मोल की ग्राम में बात कर रही हूँ तो वो मेरा 16 U के बराबर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास यूनिट जो है, एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 16 होता है, तो एक मोल जो ऑक्सीजन है वो 16 U के बराबर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। द वेट इन ग्राम ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेट इन द AMU ऑफ वन मोल एटम, या फिर एक मॉलिक्यूल, तो वो उसी के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल में लिखा भी है, अगर मैं एक यू, हाइड्रोजन का एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 U, तो वो उसके अंदर एक ही एटम है हाइड्रोजन का, सेम ऐसे ही 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर भी क्या आ जाएगा, आपका एक मोल ऑफ एटम आ जाएगा, क्योंकि हम इस 1 U को बराबर किसके रखेंगे, 1 ग्राम के। और उसकी वैल्यू क्या होगी, आपको पता है एक मोल की वैल्यू कितनी होती है, एक मोल आपका एक एटम के बराबर हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6.022 × 10⁻²।
सेम ऐसे ही यहाँ पर बोल रहा है कि 16 यू ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 यू, और इस 16 यू के अंदर एक ही एटम है, और ये जो एक एटम है जिसका परमाणु द्रव्यमान 16 यू है, ये आपके 16 ग्राम, क्योंकि ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन जिसके अंदर भी क्या होगा, एक ही एटम होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, और इनकी वैल्यू कितनी होगी, 6.022 × 10²³। तो अगर आपसे कहे 16 ग्राम ऑक्सीजन हैज़ 1 मोल ऑफ एटम, 16 ग्राम में क्या होगा, 1 मोल एटम ही होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6.022 × 10²³। तो ये पॉइंट था जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना था। इसके बाद हम देखेंगे कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोलर द्रव्यमान आप कैसे निकालेंगे। तो मोलर द्रव्यमान कुछ नहीं है, उस सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वही उसका क्या हो जाता है, मोलर मास हो जाता है। जैसे हमने पहले निकाला था किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, हम उनके सारे एटॉमिक मास को ऐड कर देते थे और वो पूरे हमारे अणु का जो मॉलिक्यूलर मास है, जो पूरा अणुओं का द्रव्यमान है वो निकल कर आ जाता था। तो वही जो मॉलिकुलर मास है वही आपका क्या कहलाता है, मोलर मास होगा। टू फाइंड द ग्राम मॉलिकुलर मास या फिर मोलर मास, है ना, मोलर द्रव्यमान कोई भी अगर आपको फाइंड करना है किसी भी अणु का, किसी भी मॉलिक्यूल का, जैसे अणु क्या होगा आपका, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वो होगा आपका पानी हो जाएगा, H2O, ये सब क्या है, ये मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा एटम हैं और वो भी अलग अलग तरह के हैं, तो वो आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो जाएगा, नहीं तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एटम, वो एलिमेंट हो जाएगा। ये मैंने पहले अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल का आपका द्रव्यमान है यही आपका क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। बस इतना याद रखना है, जैसे अब एग्जाम में पूछेगा कि फॉस्फोरस का आप हमें मोलर मास बताइए, तो फॉस्फोरस का मोलर मास वही होगा जो उसका एटॉमिक मास होगा। जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के एक एटम का द्रव्यमान AMU, परमाणु संख्या, परमाणु सॉरी द्रव्यमान, एटॉमिक मास कितना होता है फॉस्फोरस का एक एटम का, वो 31 U होता है। अब फॉस्फोरस में क्योंकि P4 होता है, P4 ये आपका मॉलिक्यूल हो गया, तो इसमें 4 एटम है, तो इसकी गुणा किससे करेंगे हम, 4 से करेंगे। जब 31 की गुणा 4 से करी तो ये आपका कितना हो जाएगा, 124 ग्राम हो जाएगा, और यही इसका क्या होगा, मोलर मास होगा। समझ में आया। अब जैसे मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूं और इसका आपसे मोलर मास पूछे एग्जाम में, मोलर द्रव्यमान पूछे, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और हाइड्रोजन का एक ही एटम है, और एक ही एटम का आपका एटॉमिक मास कितना होता है, वो आपका एक ही होता है, और क्लोरीन का मैंने आपको पहले ही बता रखा है 35.5 होता है, तो इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका पूरा मोलर मास, मोलर द्रव्यमान 36.5 आ जाएगा। तो याद रखिएगा, मोलर मास कुछ नहीं होता, सिर्फ उस पूरे सब्सटेंस का, जो हमने सब्सटेंस लिया है उसका हमें मॉलिक्यूलर मास बताना होगा, और वही आपका क्या होगा, मोलर मास होगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिक होंगे तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कुछ रिलेशन जहां से न्यूमेरिक आपके बनेंगे। देखिए, एक संबंध, एक रिलेशन देखना है आपको किसके बीच में, मोल के बीच में और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद रखना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल किसी भी सब्सटेंस में जिसे हम छोटे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये छोटा एन होता है नंबर ऑफ मोल, ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सब्सटेंस। ये क्वेश्चन में आपको देगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं सब्सटेंस में, और उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, एवोगैड्रो नंबर से, जिसे हम एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होगा एक आपका रिलेशन किसके बीच में, मोल के बीच में और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में। तो हो सकता है एग्जाम में आपको मोल की संख्या दे दे और आपको एवोगैड्रो नंबर तो पता ही है जो कि फिक्स है 6.022 × 10²³, और आपसे फिर नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले, तो आपको अगर मोल की संख्या पता है और एवोगैड्रो संख्या पता है तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं सब्सटेंस में वो बता देंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। उसके बाद एक और रिलेशन है किसके बीच में, ये भी नंबर ऑफ मोल, मोलर मास और खाली मास के बीच का रिलेशन है, तो ये भी ध्यान रखना है। दोनों अलग अलग तरह से न्यूमेरिक होते हैं, हम आगे अभी देखेंगे। तो इस केस में ये जो छोटा एन है, जो आपका नंबर ऑफ मोल है, ये बराबर होगा कितने के, मास ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का, उस पदार्थ का द्रव्यमान जो आपको क्वेश्चन में देगा वो हम छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे क्या आएगा आपका, मोलर मास, जिसे हम बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर मास मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दे दे और आपको
उस सब्सटेंस का मोलर मास पता ही होगा, वो सब आप ऐड करके निकाल सकते हैं, तो उसमें आप मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो बता सकते हैं। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं और इनसे आपके न्यूमेरिक बनते हैं। तो दोनों ही केस में हम नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, एक में नंबर ऑफ पार्टिकल के माध्यम से और एक में मास के थ्रू, द्रव्यमान के थ्रू। अब देखिए आगे, सबसे पहले हम न्यूमेरिक देखते हैं। यहाँ पर पूछा है निम्न में से हमें इन सब का द्रव्यमान, इनका जो मास है वो हमें बताना है। तो सीधी सी बात है, जब मास की बात कर रहा है और इसने बोल दिया 0.2 मोल ऑक्सीजन में, जो ऑक्सीजन का एटम है, 0.2 मोल ऑक्सीजन का जो परमाणु है, एटम है, उसका हमें द्रव्यमान बताना है, उसका हमें मास बताना है। तो सीधी सी बात है, सेकंड वाली रिलेशन यहाँ पर फिट होगी, क्योंकि सेकंड वाली रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर मास ऑफ सब्सटेंस जो हमें निकालना है क्वेश्चन में, और मोलर मास जो हम नीचे रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे, द्रव्यमान मास ऑफ सब्सटेंस पूछ रहा है, और जब ये वाली वैल्यू पूछ रहा है तो हम इस मोल को ऊपर ले जाएंगे, मोलर मास को हम ऊपर ले जाएंगे और ये इस नंबर ऑफ मोल से गुणा हो जाएगा। तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा मास निकालने का, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, क्योंकि जो मोलर मास की वैल्यू है ये इधर चली गई और यहाँ से हम किसी भी सब्सटेंस का, जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो हम इस ऑक्सीजन का मास जो द्रव्यमान है वो बता सकते हैं। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल की संख्या दे दी है, वो कितनी है 0.2, तो मैंने 0.2 रख दिया और मुझे पता है कि ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, वो उसका एटॉमिक मास ही होगा, और वो कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 होता है, तो मैंने 16 रख दिया और 0.2 की 16 से मल्टीप्लाई करी, तो 0.2 मोल ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं, एटम हैं, उसका मास जो है, उसका जो द्रव्यमान है वो निकल कर आ गया 3.2 ग्राम। ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन में भी बता सकते हैं, 0.2 मोल जल, जल के अणु, ये अणु होगा, ये मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि जल क्या होता है, H2O, तो यहाँ पर एक एटम तो है नहीं, एक से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, ये आपका अणु है, ये मॉलिक्यूल है। तो इसमें हमें इस मॉलिक्यूल का जो पानी है, H2 है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी है, इसका हमें मास बताना है, इसका हमें द्रव्यमान बताना है। तो सिंपली हम यही फॉर्मूला रखेंगे, नंबर ऑफ मोल की गुणा किससे कर देंगे, मोलर मास से। तो यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ मोल मोल जो हैं वो क्वेश्चन में दिए हैं कितने हैं, 0.5, और मोलर मास मुझे निकालना होगा किसका, H2O का। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, तो एक की वैल्यू कितनी होती है, एक का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, 2 का कितना हो जाएगा, 2, और ऑक्सीजन का तो एक ही एटम है और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 16 प्लस 2 करूँगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो ये जो मोलर मास है वो कितना निकल कर आ गया इस अणु का, इस मॉलिक्यूल का, वो 18 है, और 18 की गुणा 0.5 से करेंगे तो वो आपका निकल कर आ जाएगा 9 ग्राम। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिक वाला कर सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिक देखते हैं, जो हमारे इन्हीं फॉर्मूले पर, पहले और दूसरे फॉर्मूले पर आधारित हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, फिर से हमें मोलों के संख्या बतानी है, 452 ग्राम ऑफ हीलियम, एच ई क्या है, हीलियम, तो हमें 52 ग्राम, ये मतलब इसका मोलर, इसका हमें द्रव्यमान भी दे रखा है, और हीलियम का मैं मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लूँगी और उसके बेसिस पर मैं नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बता दूँगी। एक तो मुझे ऐसे बतानी है और दूसरे केस में इसकी जो पार्टिकल की संख्या है वो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है और उसके बेसिस पर मुझे नंबर ऑफ हीलियम के जो एटम हैं वो मुझे बताने हैं, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर पूछ रहा है वो मुझे बताना है। तो हम दोनों कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो तो बताने हैं, और मुझे इसका ये जो हीलियम है, ये जो सब्सटेंस दिया है हीलियम का मॉलिक्यूलर मास, ये जो मोलर मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास, सॉरी ये तो हीलियम खाली सिंगल है, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वही इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, और मुझे पता है जो मोल हीलियम होता है उसका एटॉमिक मास होता है 4, तो सीधी सी बात है इसका मोलर मास, जो हीलियम का मोलर मास है जिसे हम बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। और क्वेश्चन में मुझे इस हीलियम का द्रव्यमान, इसका जो भार है, इसका जो मास है वो दे रखा है, जिसे हम छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना दे रखा है, 52 ग्राम दे रखा है। सीधे से फॉर्मूले में रखूँगी, जो मेरा पहली वाली रिलेशन थी, दूसरी वाली रिलेशन थी ये वाली, यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल निकाल लूँगी क्योंकि क्वेश्चन में मुझे मास भी दिया है और मोलर मास मुझे पता है हीलियम का कितना होता है, वो 4 होता है। आप नेट पर सर्च करेंगे और सभी के मोलर मास, या फिर मैं कहूँगी
मोलर मास ही क्या है, उनके एटॉमिक मास, सबके एटॉमिक मास आप याद कर लीजिएगा। ये मैंने पहली वाली क्लास में भी बोला था, अगर किसी बच्चे ने याद कर लिए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो तत्व हैं, उनके एटॉमिक मास क्या हैं, उनके परमाणु भार क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा सा नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, 52 ग्राम जो है वो हमने ऊपर रख दिया, और जो मोलर मास है वो हमारा नीचे आता है जो कि 4 है, और इसको हमने डिवाइड किया 4 से, तो यहां से आंसर निकल कर आ गया नंबर ऑफ मोल कितने, 13 मोल। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें पार्टिकल के बेसिस पर निकालना है, और जब पार्टिकल के बेसिस पर निकालना है तो पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और यहां से भी हम नंबर ऑफ मोल बता देंगे क्योंकि मुझे पार्टिकलों की संख्या दे दी है, वो कितनी है, 12.044 × 10²³, और मुझे पता है मेरा एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, वो 6.022 × 10²³ होता है, इससे ये कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और इसकी टेबल में ये 2 टाइम आ जाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, वो आपके 2 मोल हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और देखना है जो थोड़ा और बड़ा है, और इसको बहुत ही अच्छे से आप समझ जाएंगे, बस ध्यान रखिए। देखिए इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, हर उसमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे ही आप सोचेंगे तो आप सोचेंगे मैं ये वाला फॉर्मूला लूंगा, इसमें एवोगैड्रो मुझे पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल दे देगा तो मैं बड़ी आसानी से निकाल दूंगा, लेकिन या मैं निकाल दूंगी, लेकिन क्वेश्चन में यही करा है उसने, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आपको नहीं दिए हैं। अब जब नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस केस में हमें एक रिलेशन बनानी होती है, उसको अब हम अच्छे से समझते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल हमें पता करने हैं किसमें, 46 ग्राम ऑफ Na सोडियम में, है ना, Na क्या होता है, सोडियम, और इसका हमें नंबर ऑफ पार्टिकल बताने हैं इस सोडियम में। देखिए पहला वाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो आपके मास, जो आपका द्रव्यमान होता है, और जो आपका मोलर मास होता है जिसे हम बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बराबर होता है। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ मोल होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने भी आपके पार्टिकल दिए हैं, और जो आपका एवोगैड्रो नंबर है उसके बराबर होता है। तो इन दोनों केस में ये दोनों एन, नंबर ऑफ मोल तो कॉमन है, और जब नंबर ऑफ मोल इनकी संख्या कॉमन है तो हम इन दोनों को भी बराबर रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, बराबर रखने से क्या होगा, m अपॉन m, ये जो आपका मास है और जो मोलर मास है ये बराबर हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल और एवोगैड्रो नंबर के। और यहाँ से एक रिलेशन बनेगी, यहाँ से मैं नंबर ऑफ पार्टिकल बता सकती हूँ, इस एवोगैड्रो नंबर को मैं ऊपर ले जाऊँगी मल्टीप्लाई में, तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपका नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का, क्या मास जो आपको क्वेश्चन में देगा और उसी सब्सटेंस का मोलर मास, और इनटू में हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर करेंगे, और यहीं से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। बड़ा एन है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, एवोगैड्रो की वैल्यू फिक्स होती है जो आपको मैंने याद करा दी है, मास ऑफ सब्सटेंस आपको क्वेश्चन में दे देगा, और इसके बेसिस पर हम इसी एन की, नंबर ऑफ पार्टिकल वाला जो सब्सटेंस में हमें बताना है उसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। और यही यहाँ पर इन्होंने करा है, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका इसका मास बटे मोलर मास इनटू एवोगैड्रो जो संख्या है। तो मुझे मास पता है क्वेश्चन में कितना दिया है, 46 ग्राम, तो इसकी जगह देखिए यहाँ पर इन्होंने रख दिया है 46, और मुझे पता है जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक मास या इसका मोलर मास कितना होगा, वो 23 होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, एटॉमिक मास आप याद कर लीजिए, या नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो एटॉमिक मास हैं और उनकी जो संख्या है वो आपको इसी में ऐड कर दूंगी, ताकि आप उनको अच्छे से याद कर लेंगे। बाकी आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएंगी इनकी वैल्यू, और वहाँ से भी आप इनको याद कर सकते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे को याद है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, जो इनकी एटॉमिक मास होता है, इनका परमाणु द्रव्यमान होता है, क्योंकि वही उस सब्सटेंस का, अगर उसका खाली एक एटम है तो वही उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम के एक ही एटम की बात हो रही है, एक ही परमाणु की बात हो रही है, और उसका एटॉमिक भार, उसका जो
द्रव्यमान है वो कितना होता है, वो 23 होता है, तो नीचे आपका मोलर मास वही होगा जो उसका भार है वो है आपका 23, तो नीचे रख दिया 23 और मल्टीप्लाई कर दी इसकी किससे, एवोगैड्रो नंबर से। ये आप ध्यान से करेंगे इसकी टेबल में ये 2 टाइम चला जाएगा, और 2 से फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दी 6.022 की, और ये आंसर आपका निकल कर आ गया 12.044 × 10²³। सेम ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये अब आपका पूरा एक फॉर्मूला बन गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का, गिवन मास जो क्वेश्चन में देगा, मोलर मास जो हमें पहले से पता होना चाहिए, और एवोगैड्रो नंबर भी हमें पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है ये 8 ग्राम पहले से ही हमें मास दे रखा है, तो मास मुझे पता है 8 ग्राम, और मुझे पता है जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है। अब देखिए ऑक्सीजन खाली ओ, एक एटम नहीं दिया, पूरा O2 बोला है, मॉलिक्यूल है ये, और जब जहाँ पर दो एटम आ जाते हैं, दो से ज़्यादा, तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है, वो अणु बन जाता है, तो ये आपका मॉलिक्यूल है। और ऑक्सीजन का एक एटम नहीं है, दो एटम है, ओ के अंदर O2 लिखा है, तो O+O दो हैं, तो एक की वैल्यू 16 है, और उससे अगले की वैल्यू भी 16 होगी, तो 16+16 तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 32। तो इसका जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, वो आपका 32 ग्राम हो जाएगा, और एवोगैड्रो संख्या तो मुझे पता ही है 6.022 × 10²³। अब आप कहेंगे मोलर मास हम ग्राम में, हम इसको 32U क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1U की वैल्यू 1 ग्राम के बराबर होती है, याद है वो शुरू में हमने जो रिलेशन पढ़ी थी अभी पीछे, तो इसी वजह से यहाँ पर जो मोलर मास है वो आपका 32 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि ग्राम और यू जो हैं वो आपके बराबर हैं, ठीक है। और एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है, सिंपल सा फॉर्मूला में रखा, 8 ग्राम ऊपर आ गया जो गिवन है हमें, मोलर मास हमने निकाल ही लिया ऑक्सीजन का, O2 O+O 16+16 दैट इज़ 32, तो नीचे 32 आ गया आपका, और मल्टीप्लाई हमने कर लिया एवोगैड्रो से, तो यहाँ से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 की टेबल में 4 टाइम कटेगा, और 4 की मल्टीप्लाई डिवाइड हम इससे करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.5 अप्रॉक्स में आ जाएगा, नियर बाय ऑप्शन में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपको तो ऑप्शन मिलने वाले हैं, तो वहाँ से आप पहचान लेंगे, तो आंसर हो गया 1.51 × 10²³। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन दिया था, देखिए यहाँ पर हमें मोल की संख्या दे दी है, और कार्बन का मुझे पता है मोलर मास कितना होता है, वो होता है आपका 12, है ना, क्योंकि वही आपका उसकी परमाणु द्रव्यमान होता है, वो भी आपका 12 होता है, तो यहाँ पर ये भी पता है, मोल भी पता है, उसके बेसिस पर मैं नंबर ऑफ, क्या मुझे क्या बताना है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पार्टिकल बताने हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल मैं बता सकती हूँ, यहाँ पर मुझे एन की वैल्यू पता है वो कितनी है 0.1, मुझे मोल, जो मोल है मुझे उसकी वैल्यू पता है, और मुझे अपना एवोगैड्रो नंबर भी पता है, तो इस केस में मुझे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना होगा, सिंपली पहला वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ मैं, क्यों, क्योंकि इस केस में मुझे नंबर ऑफ मोल भी पता है, पहले वाले फॉर्मूले में यही तो था, नंबर ऑफ मोल ये छोटा एन है ये बराबर होता था किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल बटे एवोगैड्रो नंबर, तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल दिए हैं, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल जो है वो आपको दिए हैं कितने 0.1, और मुझे यहाँ पर इसके एटॉमिक मास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहला वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, और मुझे एवोगैड्रो नंबर तो पता ही है, और उसके बेसिस पर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो सीधा सा क्वेश्चन में रख कर बता दूंगी। यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी, एन की वैल्यू कितनी हो गई 0.1 बराबर, ये मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल बताने हैं, और ये मुझे बताने हो नीचे क्या आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10²³, ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, और देखिए यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ भी गया है, और इसको मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो आपकी, क्योंकि पॉइंट है तो यहाँ से वो कम हो जाएगा 10²² हो जाएगा, तो आंसर मेरा कितना आ गया 6.022 × 10²² देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन मैंने अपने बेस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, और मुझे लगता है बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है, बहुत हाई लेवल तक समझा दिया है, ताकि अगर चाहे सुपर टेट हो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से आपका अगर ये क्वेश्चन आता है एटम और मोलिक्यूल वाला सेक्शन, तो वहाँ से आपका नंबर नहीं जाना है, बहुत ही अच्छे से हमने इसको पढ़ लिया है। आगे की क्लास में हम इसका अगला वाला सेक्शन जो है सिलेबस में जो यहाँ पर लिखा है कहाँ गया, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हम पढ़ेंगे, जिसमें हम रदरफोर्ड ने क्या बोला है ना, जे थॉमसन ने क्या बोला, इसमें हम एटम को डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं वो सारा हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें, लाइक का रेशो बहुत कम रहता है, मेहनत मैम इतनी ज़्यादा करती हैं लेकिन लाइक आप लोग नहीं करते, एक लाइक ही तो करना होता है, लाइक से क्या होगा, देखिए वीडियो जो है वो थोड़ा ऊपर आएगी और लोग भी देख पाएंगे, आपको पता ही कितने कम व्यूज़ आ रहे हैं,
लेकिन मैं फिर भी आपके लिए बेस्ट तैयारी करा रही हूँ, क्योंकि मुझे व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है कि अगर मेरे साथ 50 बच्चे भी जुड़े हैं तो वो मेरे लिए एक पूरी जिम्मेदारी है और उनको मुझे अच्छे से तैयारी करानी है। तो बस आप इतना कर दें कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर, ताकि जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा और ऊपर आएँ और ज़्यादा लोग उनको देख पाएँ। बस इतना ही कहना था, थैंक यू वेरी मच।